मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एवं छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री के जिले में वर्षों से चल रहा प्रतिबंधित खाद बीजों का कारोबार छिंदवाड़ा के पांडुना विधानसभा के कई वर्षों से कपास एवं सोयाबीन के अत्यधिक फसल ली जाती रही, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से प्रतिबंधित खाद बीजों का कारोबार इतना बढ़ गया है कि किसानों को समझ नहीं आया कब उनकी खेती खराब हो। महंगे दामों में खरीदे खाद बीजों से फसल जब खराब आती है तो किसान को ना भाव मिलता है ना साहूकारों का कर्ज दे पाते हैं। अंत में किसान आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाता है। गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र तक फैला है अमानक खाद बीजों का कारोबार। छोटे छोटे दुकानों का सबको हुआ है, बड़े दुकानों का नहीं हो पाया। करेंगे, बड़ी दुकानों का क्यों नहीं किया सकते? अभी करेंगे ना, अभी टीम बनाने वाले हैं, वो हमारे एडीओ साहब भी आएंगे साथ में, क्योंकि अकेले व्यक्ति नहीं कर सकता। इसमें दो तीन लोगों की टीम रहती है, वो टीम से हम पूरा उसका दुकान का निरीक्षण करेंगे, उनको सख्त निर्देश देंगे कि सही रेट पर किसानों को बिल देकर खाद उपलब्ध कराए। सर, DAP का क्या रेट है? 3,50। सर, अभी समय ऐसा चल रहा है कि अधिकतर किसान बोने के लिए खाद बीज सब खरीद रहे हैं, और आपकी टीम अब जांच करेंगी या अब चेक करेंगी? समिति में काफ़ी भंडारण है खाद का, समिति जो किसान ले रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, और समिति को भी सैंपल हमने लिए हैं समिति से, और 20 सैंपल हमने भेजे हैं लेबोरेटरी के लिए, और बाकी दुकानों का भी सैंपल ले रहे हैं, तो उसको भी जांच की जाएगी। सर, पिछले वर्ष जिसका लाइसेंस निरस्त किया गया था वह भी अभी खाद बीज बेच रहा है, सर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? पिछले वर्ष बेचा, उसका लाइसेंस निरस्त हुआ होगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। वो खुलेआम खाद बीज बेच रहे हैं, उसके बारे में संज्ञान में नहीं। दूसरा सर, जो समितियाँ चल रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोई समिति बंद हुई है तो दूसरी समिति की आड़ में भी यहाँ पर कुछ कारोबार हो रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? कौन सी समिति? बीज समिति का जो डबल से उसका कार्रवाई लाइसेंस में होगा तो करेंगे वो डबल से। दोस्तों, न्यूज़ टेक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।